हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम द ग्लोरी के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये ड्रामा एक नॉर्मल लड़की के ऊपर है जिसका नाम है दुंगयोन। उसके ऊपर किया गया वायलेंस का वो कैसे रिवेंज लेती है, यही हम ड्रामे में देखेंगे। आशा करती हूँ ये ड्रामा आपको पसंद आए। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं 2022 का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे दुंगयोन अपनी कार से सैमयोंग सिटी आ रही थी और ये सीजन था गर्मियों का। दुंगयोन ड्राइव करके एक होटल के ऊपर आती है, जहाँ से खड़ी होके वो एक बिल्डिंग की तरफ नज़र रख रही थी। तभी वहाँ पे एक गार्डनर आके उसे वेलकम करती है। फिर वहीं पे सीन कट होके हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, वो खड़ी होके एक दीवार पे कुछ फ़ोटो चिपका रही थी, वो भी स्टेपलर से। और यहीं पे हम देख पाते हैं उसकी शरीर में बहुत सारे चोटों का निशान है। और इस फोटो में जो लड़की हमें दिखाया जा रहा था, इसका नाम है योनजिन। और वो इसी फोटो से बातें करती हुई कहती है वो योनजिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। लेकिन तब क्या होगा जब वो इस कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आएगी। और ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं योनजिन दरवाज़ा खोल के अंदर आती है। वो उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो, ये सब तो हमारी तस्वीर है, हो कौन तुम? दुंगयोन कहती है, ये मैं हूँ, मुझे पहचाने नहीं? वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही बेकार लड़की हो। और वो स्टेपलर से उसे मार देती है और हम देखते हैं उसके चेहरे से खून निकल रहा था। दुंगयोन कहती है, ये अच्छा हुआ कि तुम मुझे नहीं पहचाने, क्या मैं अभी तुम्हें मार दूँ? वो कहती है वो उसे नहीं मार सकती। दुंगयोन कहती है, मैं तुम्हें ज़रूर मार सकती हूँ, क्या तुम वो पूरा स्टोरी नहीं जानना चाहती कि मैं यहाँ पे कैसे आई? फिर कहानी 2004 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे स्कूल का सीन दिखाया जा रहा था। प्रिंसिपल ने योनजिन का मॉम को कॉल किया था, उसे एक बार यहाँ पे आना होगा क्योंकि उनके बेटी के खिलाफ रिपोर्ट किया गया है। प्रिंसिपल फिर योनजिन को पूछने लगते हैं कि उसने अपने फ्रेंड को बुली क्यों किया। योनजिन तब बताती है वो उसकी दोस्त नहीं है और उसे टॉर्चर करके उनको मज़ा आता है। और ये बोल के हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हमें पता लगता है उसे किसी बात का डर नहीं है। इधर हम छोटी दोंगयोन को देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन में बैठी थी, उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी थी। तभी वहाँ पे अमीर बच्चों का माँ बाप आके उन्हें ले जाते हैं और उनको इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिर में वो और एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था, इस लड़के का नाम था जेजुन। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे दुंगयोन का स्कूल का प्रिंसिपल आके उसे धमकाने लगता है कि उसकी फ्रेंड ने मिलके उसके साथ सिर्फ एक मजाक ही किया था। इस छोटी सी बात के लिए वो मुंह उठा के पुलिस स्टेशन आ गई, वो बाद में उसे देख लेगा और यहाँ से अभी उसे जाने के लिए कहता है। पीछे से जेजुन सर को कहता है उसे भी यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, वो तो गोल्फ खेलने के लिए अब्रॉड गए हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं सर उससे बहुत अच्छे से बातें करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं योनजिन की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी, उसने कही थी इन सब सिचुएशन में उसे ना पढ़ने के लिए। और वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन है और वो एक साधारण सी लड़की के सामने झुक गई। मैंने कहा था सिर्फ जेजुन और सारा से दोस्ती रखना, हमारे प्रिस्ट ने हमसे कहा है तुम्हें ओ नाम लोगों से दूर रखने के लिए। फिर वहाँ से योनजिन की मॉम उसे उस प्रिस्ट के पास ले जाती है, जिन्हें योनजिन की मॉम बहुत ज़्यादा मानती है, लेकिन योनजिन नहीं। दूसरे दिन हम देखते हैं योनजिन का फ्रेंड मिलके दुंगयोन को पकड़ के ले आती है, जहाँ पे योनजिन कहती है वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसे देखना पड़ेगा कि हेयर स्ट्रेटनर गर्म है या ठंडा है, क्योंकि उसका बालों का सवाल है। फिर हेजियन और म्यांग हो उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और सारा उसके हाथों पे गर्म स्ट्रेटनर रख देती है। इससे दुंगयोन को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, लेकिन इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हेजुन कहती है तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जिम टीचर ने खुद मुझे ये चाबी दिया है। और हम देखते हैं उसने जिम टीचर से कैसे ये चाबी हासिल किया था। दुंगयोन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वो चिल्ला के पूछती है वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। योनजिन कहती है देखा ना पुलिस स्टेशन जाने का कीमत क्या होता है, और वहाँ पे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। और फिर से वो लोग उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। दुंगयोन दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चीख रही थी, तो योनजिन कहती है इसका मुंह बंद करने के लिए, तो म्योंग हो से ज़बरदस्ती किस करने लगता है। जेजुन भी यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। कुछ देर बाद दुंगयोन नर्स के पास जाके दवाई मांगती है। नर्स तब पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है, किस चीज़ के लिए उसे दवाई चाहिए, और वो ज़बरदस्ती उसके हाथों का चोट देख लेती है, तो वो उसे मशवरा देती है कि इस चोट के बारे में प्रिंसिपल को जाके बताने के लिए।
अगर वो डर रही है तो वो उसके साथ जाएगी। वैसे ये सब किसने किया है? यूनजिन पर्दा हटा के कहती है, मैंने किया है और पिछले बार भी मैंने ही की थी। फिर सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पे दोंगयोन योनजिन की बेटी के पास जाके मिलती है। यूनजिन का बेटी उसका हिल देख के कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है। दोंगयोन कहती है, तुम हो योनजिन का बेटी? तो वो पूछती है, आप मेरी मॉम को जानते हैं? दोंगयोन कहती है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, हर रोज उसके बारे में सोचती हूँ। शायद नफरत ऐसा ही होता है। फिर दोंगयोन योनजिन की बेटी को उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बताने लगती है। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे दोंगयोन अपने घर में आके देखती है, वहाँ पे योनजिन अपने सारे दोस्तों के साथ उसके लिए वहाँ पे इंतजार कर रही है। दोंगयोन को देख के वो कहती है, तुमने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दिया, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। सभी उसे पकड़ के अंदर लाते हैं। योनजिन तब उसे उसके गुल्लर में रखे पैसों को दिखाने लगती है, तो दोंगयोन उससे वो छीनने लगती है, लेकिन उस गुल्लर को वो लोग फाड़ के सारे पैसे को नीचे फेंक देते हैं। दोंगयोन कहती है, तुम सब तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है? योनजिन कहती है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, तो मुझे तुम पहले डांस करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ये सब पैसा दे दूँगी। वो डांस नहीं करती है तो वो उसे आयरन से झटके देने की धमकियाँ देती है। फिर हेजुन गाना बजाती है, जिसके बाद वो सभी मिलके उसे दोबारा परेशान करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन वो नर्स ऑफिस में दवाई लेने जाती है तो देखती है नर्स ने तो रिज़ाइन ले लिया है। हमें तो ये साफ हो गया था कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया है। फिर रात में वो टेरिस पे आके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि अपने शरीर में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तभी स्नोफॉल होने लगती है और सारे बर्फ़ जब उसकी जख्मों पे आके गिरती है, उसे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो वो बर्फ़ को लेके अपने शरीर में लगाने लगती है और फिर कपड़ा खोल के वहाँ पे लेट जाती है और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर अगले दिन हेजियांग सभी को बताती है कि दोंगयोन ने स्कूल छोड़ दी है और लेटर में हम सभी को जिम्मेदार कही है, जिसके बाद टीचर दोंगयोन को कॉल करके कहता है उसे रिपोर्ट में कुछ और लिखना पड़ेगा। तो दूसरे दिन उसे स्कूल आना पड़ता है। आके बताती है उसे इस स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और अपने जख्मों को भी दिखाती है और कहती है, इस सब कामों में आप भी शामिल हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें गलत नहीं कहा। टीचर कहने लगते हैं, उन्होंने तुम्हारा हड्डी तो नहीं तोड़ा और दोस्तों में तो ये सब मजाक चलता ही रहता है, सिर्फ इस वजह से तुम सभी के नाम पे रिपोर्ट करोगे? दोंगयोन कहने लगती है, आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाने वाला है ना, वहाँ पे अगर मेरी तरह सभी उसे भी टॉर्चर करे तब आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा ना? ये सुन के टीचर उसे मारने लग जाते हैं। वहाँ पे और भी टीचर्स थे, वो सभी मिलके उस टीचर को रोक रहे थे, लेकिन वो टीचर दोंगयोन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और इधर योनजिन का मॉम दोंगयोन की मॉम को कॉल करके बुलाती है। योनजिन का मॉम दोंगयोन की मॉम को कुछ पैसे वगैरह देती है और ये सब रफा दफा करने के लिए कहती है, ये सब बातें बाहर नहीं जाना चाहिए। पैसे की वजह से दोंगयोन का मॉम पिघल जाती है और तुरंत उस पेपर पे साइन कर देती है। इधर दोंगयोन अपने घर में आती है तो वो देखती है उसकी सामान नहीं है और घर का ओनर उसे बताती है सुबह उसकी मामा के यहाँ से सारे सामान हटा के ले गई है, यहाँ पे सिर्फ उसका स्कूल यूनिफॉर्म छूट गया है। लेकिन दोंगयोन देखती है वहाँ पे उसका सारा सामान रखा हुआ है और वहाँ पे वो उस पेपर को भी देखती है जहाँ पे उसकी मॉम ने साइन की थी। फिर वो स्कूल छोड़ के कुछ दिनों तक एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। इस दुनिया में बची रहने के लिए वो नाकामयाब कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो हान रिवर के पास जाके अपनी फूटी किस्मत पे बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पे उसे सुसाइड करने का ख्याल आ रहा था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं योनजिन के सारे दोस्त मिलके जिम में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो हेजिंग को चॉकलेट मिल्क लाने के लिए कहती है और वो उन सबको मना भी नहीं कर पाती, जहाँ से हमें पता लगता है वो उन सब के तरह इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, वो बस खुद को ऊंचा दिखाने के लिए उन सब के साथ रहती थी। और कुछ देर बाद वो एक दूसरी लड़की को भी परेशान कर रही थी, तभी वहाँ पे दोंगयोन आती है और योनजिन से कहती है, तुम एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनना चाहती हो। ये बात सुन के योनजिन के ऊपर सभी हंसने लगते हैं। तब दोंगयोन और सब के बारे में भी बताने लगती है, जैसे सारा को बड़े होके एक पेंटर बनना है, जेजियांग को एक गोल्फ कोर्स मिलने वाला है, हेजिन को एयर हॉस्टेस बनना है। तब योनजिन कहती है, मुझे ये सब सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सपने तो तुम जैसे गरीब लोग देखते हैं, तो बताओ तुम्हारा क्या सपना है? दोंगयोन कहती है, मेरा सपना सिर्फ तुम हो, हम जल्द ही मिलेंगे। और ये कह के वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। फिर वहाँ से सीन 2006 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे दोंगयोन एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। वो काम करते करते अपनी पढ़ाई भी चला रही थी और वहाँ पे ही
उसकी जैसी एक लड़की जिसका नाम है सियोंग ही, वो भी उसके साथ काम करती थी और वो हमेशा उसे नोटिस भी करती थी। कुछ दिन बाद उसकी जेड एग्जाम का रिजल्ट निकलता है जिसमें वो पास हो गई थी। रात को वो रूम की बाहर की लाइट से पढ़ाई करती थी और सियोंग ही हमेशा अपने जूते निकाल के अंदर आती थी ताकि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। ऐसे करके 2008 आ जाता है और एक दिन सियोंग ही देखती है वो पढ़ाई नहीं कर रही है, तो दूसरे दिन वो दोंगयोन को पुकारती है। दोंगयोन अब बड़ी हो चुकी है, वो उससे पहली बार खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मैंने सुना तुम अगले हफ्ते यहाँ से जा रही हो, हम बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूँ। दोंगयोन कहती है मुझे भी तुम्हें थैंक्स कहना था मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। फिर कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है वो एक कॉफ़ी शॉप में होती है और वहाँ पे यो जियोंग भी होता है और वो दोनों एक दूसरे को अभी तक नहीं पहचानते। वहाँ से निकल के वो कॉलेज की तरफ जाती है और वो योनजिन के बारे में सोच रही थी कि वो कब और कैसे उसके साथ टकराने वाली है। तुम्हारे पास सब कुछ होगा इसलिए तुम्हें किसी का डर नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम डर जाओ। ये सब कहानी सुन के योनजिन की बेटी कहती है ये सब तो एक फेरी टेल की तरह लग रहा है, लेकिन ये कहानी मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉम हीरोइन नहीं है। कहानी में तो हीरोइन हमेशा गरीब होती है और यहाँ पे तो मॉम बहुत ज़्यादा रिच है। दोंगयोन कहती है इस कहानी में तुम्हारा मॉम ही मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक डरावनी कहानी है। इधर हम योनजिन को देखते हैं जो एक न्यूज़ रिपोर्टर बन चुकी है। दोंगयोन बैठ के उसी की न्यूज़ को देख रही होती है और उसी के बारे में सोच रही थी कि वो कब कैसे उसके साथ टकराएगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की एपिसोड्स देखने के लिए हमारी चैनल्स के साथ जुड़े रहिए।